गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली दुल्हन आ चुकी है हमारी सोसाइटी की। भाभी जी पैसा वैसा ले रही हैं भैया से बैंड वालों को देने के लिए। आप लोग मेरी दुल्हन को देख लीजिए और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए आप लोग अपना। आज एक लड़की फिर से एक नए घर में प्रवेश करने के लिए तैयार है, अपना घर छोड़ के अपने पति के घर में आ चुकी है। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, इसे हमेशा खुश रहे। ये हमारी सोसाइटी की पहली दुल्हन है और बहुत ही प्यारी है, आप लोग देख लीजिए इसे। ये दुनिया की रीत है दोस्तों, एक लड़की को अपने घर अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है, उसमें कोई जोर नहीं हो चलता इंसान का। तो आज फिर से एक कदम एक लड़की ने बढ़ाया है उसी रस्म को निभाते हुए। ये है इसकी ननद, आप लोग देख लीजिए। ये रचना मैडम है अभी दुल्हन। असल में हम लोगों के यहाँ एक रस्म होती है कि दुल्हन पहले घर आती है, उसके बाद में घर मतलब गेट पे आएगी, उसके बाद में उसका थोड़ा सा पूजा होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर से मंदिर जाएगी, फिर भगवान जी का वो पूजा करके आएगी, उसके बाद फिर वापस से घर में आएगी, तभी गृह प्रवेश होगा। तो इसलिए शुभम और उसकी माँ पीछे बैठ गई है जो भाभी जी हैं, तो अभी उसको ले के जाएंगी जो है मंदिर, मंदिर से मंदिर में भगवान जी के पैर छुआ के फिर घर वापस लाएंगी, तब जो है उसका गृह प्रवेश किया जाएगा। अभी आप लोग देख लीजिए वो जा रही है दुल्हन मंदिर, आप लोग देख लीजिए। भाभी जी बहुत खुश हैं, बहू जो आई है देख लीजिए, दुल्हन के चाचा जी और पापा जी। पापा जी पैसे दे रहे हैं और चाचा जी डांस कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। गाड़ी रोक के, कार 2 मिनट रुको, मैं डांस करता हूँ, उसके बाद आप लोग मंदिर जाइए, आप लोग देख लीजिए। सब बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छा लगता है परिवार में जब नई दुल्हन आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ रस्में हैं जिनको निभाने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और भाभी जी कह रही हैं चलो हम भी डांस करते हैं, आप लोग देख लीजिए, कह रही चलिए आप लोग देख सकते हैं। और फाइनली दुल्हन आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि मैं बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई, राज की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं नहीं शूट कर पाई। और दुल्हन आ चुकी है, नानी जी उसका टीका कर रही हैं, और टीका करने के बाद में वहाँ की थोड़ी बहुत रस्में हैं उनको करेंगी, उसके बाद दुल्हन रेस्ट करेगी, फिर बाद में फाइनली अपने रूम में जाएगी। आप लोग देख लीजिए नानी जी कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो पीछे भाभी जी हैं और वो उसकी ननद है, आप लोग देख सकते हैं। ये रचना मैडम कह रही है मेरी भी फ़ोटो थोड़ी सी ले लीजिए, और मैंने उसकी भी फ़ोटो थोड़ी सी बना ली। मैं खुद की नहीं बना पाई क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में था, तो मैं अपनी नहीं बना पाई। और भगवान करिए सब हमेशा खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरा आशीर्वाद है। और थैंक यू आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद आप सबका। और आप दुल्हन को जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि सारी रस्में हो चुकी हैं अच्छे टाइम पे, अच्छे साइड पे, तो अभी टिकट करके उसको उसके रूम में ले जाया जाएगा, वो थोड़ा आराम करेगी क्योंकि रात में थोड़ी सारी जगी हुई है, तो उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो अभी थोड़ी सी रेस्ट करेगी, उसके बाद ही अपना बात करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे अपना साथ देते रहिए, धन्यवाद आप सबका। रुको